नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश भर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका दे रही है यूपी सरकार। जी हाँ फ्रेंड्स, ESI की भर्ती निकल कर आ चुकी है यूपी में, और जिसके लिए आप सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगले माह से ऑनलाइन आवेदन जारी है। तो कितनी पोस्ट निकल कर आ रही है ESI की, और भी क्या अपडेट हैं, साथ में क्या बातें बताई गई है, कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलेंगे जो कि आज ही का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया हुआ है, सारी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि यूपी में ESI की भर्ती निकल कर आ रही है और आप सभी लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फुल डिटेल आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर की कटिंग डाउनलोड करके रखी है, जो कि ये हिंदुस्तान जॉब न्यूज़पेपर की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान में खबर निकल कर आई हुई, ये आर्टिकल हिंदुस्तान में छापा गया, आज के हिंदुस्तान में यूपी के आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दरोगा के 5623 पदों के लिए आवेदन अगले माह से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगले माह से आप लोगों का आवेदन जारी हो जाएगा, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दरोगा पोस्ट के लिए। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे दरोगा पोस्ट के लिए, अब वो अपनी तैयारी और भी कड़क कर दें, यानी कि सावधानी पूर्वक अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI के 5623 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। पुलिस, तो आप लोग देख पा रहे हैं, अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे, और पुलिस एवं PSC में सिपाही के 49568 पदों पर भर्ती के लिए 27 व 28 जनवरी 2019 को कराई गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जो अभी पिछली वैकेंसी कराई गई थी, उसकी लिखित परीक्षा का परिणाम भी अक्टूबर में घोषित कर दिया जाएगा। तो उसका परिणाम भी अक्टूबर में घोषित किया जाएगा, जैसे ही वो रिजल्ट जारी किया जाएगा वैसे आपकी SI की नई भर्ती निकल कर आ जाएगी आपके यूपी में। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोर्ड के प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर Grade A के बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती विशेष से चयन 2017 का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 2017 में जो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था Grade A का, उसका भी यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर Grade A के 666 पदों के सापेक्ष 666 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया है। इससे अन्य श्रेणियों के साथ ही 133 महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुई हैं। SI भर्ती का नतीजा जारी, पेज नंबर 2। तो SI भर्ती का भी नतीजा जारी कर दिया गया, जो पिछली वैकेंसीज थी। तो हम आपको बताते हैं, बस क्लियरली पॉइंट यही है कि अक्टूबर से 5623 पदों के लिए SI के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यूपी में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके उत्तर प्रदेश में SI की भर्ती निकल कर आ रही है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, MP से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कहीं से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगले महीना में। जैसे ही ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट होती है, ऑफिशियल विज्ञापन जारी होता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सूचित करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके जो लोग वेट कर रहे थे यूपी में SI भर्ती के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।